ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਸ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਨਵੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। हमने कहा कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये कहा हमने। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया, किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है, ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन नहीं। समस्या ही काट दो, जिन्हें बिल्कुल वापसी ले लो अपना, निमट जाएगा। और एमएसपी पे कानून बनेगा तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आ गई और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आ गए। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा, भूख कितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी, देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा।